2 cups of maida, some dhaniya powder, some jeera powder, some ajwain, some red chili powder and salt, oil and some hingan. Vegetables that we required are peas, coriander, chilies, potato and ginger. First of all, take some ajwain in and mix it with the flour. And make a dough. Take oil as it becomes like this and then add some water in it, but water should be not much so that dough becomes very watery. It should be little bit hard. It's almost ready. हम लोगों को इस dough को इसी प्रकार से करना है और इसे ज़्यादा watery भी नहीं करना है. नाउ हम लोगों ने ये गीला कपड़ा लिया है और इसमें हम ये डो को ढक देंगे फॉर समथिंग अबाउट 20 to 25 मिनट्स. अब एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे विथ मीडियम फ्लेम. जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम यहाँ पे जिंजर एंड मिर्ची को एक मिक्सर में पीस लेंगे. सो अब हमने यहाँ पे जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट बना लिया है और हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है. इसमें हम डालेंगे जीरा, थोड़ा सा हींग एंड जिंजर एंड मिर्ची का पेस्ट. थोड़े से पीस थोड़ा सा धनिया पाउडर थोड़ा सा रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट एज पर योर टेस्ट. हम थोड़ा सा इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं फॉर सॉल्टनेस. आलू को हमने हाथों से स्मैश किया, स्मैशर से स्मैश नहीं किया ताकि आलू के थोड़े बड़े बड़े हिस्से भी रहे इसमें. अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं. अब ये मिक्सर रेडी हो चुका है, आई मीन सब्जी. सो दिस इज आवर डो आफ्टर 15 to 20 मिनट्स.
इसे हम थोड़ा ओवल शेप देंगे ताकि हम इसे पॉकेट शेप बना पाए। और साइड से इसमें थोड़ा पानी लगाएं ताकि ये अच्छे से चिपके। फ्राई करने के लिए डाल दें। फ्राई करते वक्त जो साइड से हमने फोल्ड किया है वो साइड ऊपर होनी चाहिए। अब ये ब्राउनिश होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब जैसे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा फ्राई हो चुका है तो अब हम इसे पलट लेंगे। अब जैसे ये ऑलमोस्ट ब्राउनिश हो चुका है तो हम अब इसे निकाल लेंगे। अब सबसे पहले हम टमाटो में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और सारे टमाटोज को ऐसे हमें गैस पे रख लेना है। ये टमाटो थोड़ा सा ब्लैकिश होने लगा है। अब इसके साइड से सारे जो इसका छिलका है वो निकल चुका है। हमें इसी टाइम तक इसको गैस पे रखना है। नो टमाटोज को कर लिया है। अब मिक्सर में हम लेंगे जीरा, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंजर, और अब ये टमाटोज जो हमने गैस पे रखे थे। अब इसमें हम पुदीना ऐड करेंगे एंड कोरिएंडर। ग्रीन चिली और नमक एज पर योर टेस्ट। यू कैन ऑल्सो एड सम लेमन, हाफ लेमन। नाउ ग्राइंड ऑल द इंग्रेडिएंट्स। अगर आपकी कंसिस्टेंसी इस तरह से थोड़ी सी थिक है तो आप थोड़ा सा उसमें वाटर ऐड करिएगा। So here are pockets, delicious pockets with chutney is ready. Let's taste it.